अभी जिस भी लेवल पर है इन टर्म्स ऑफ मनी हम उससे और आगे जाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं हमको सोसाइटी में जो ऐसा लगता है कि वो मनी से बियॉन्ड है लेकिन उनकी गेम कुछ और है उनके लिए लेवल का मतलब कुछ और है मतलब एक लेवल है कि आप अपने आप को इतना अमीर बना लो कि आपके अंडर हजारों लोग आ जाएं और वो आपकी बात माने एक ये है कि आप अमीर नहीं हो लेकिन ये जितने अमीर लोग हैं ये आपके पैरों में आकर के पड़े रहते हैं उसको आप सॉफ्ट पावर भी बोल सकते हो जो दिखती नहीं है बिना किसी का नाम लिए मैं ये कहूंगा कि इस पावर के जो दीवाने लोग होते हैं वो भी एक रेस में भाग रहे हैं तो ऐसे लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में मतलब करोड़ों में कहीं कोई एकाद होगा जो हर लेवल से बाहर निकल चुका है तो पॉसिबिलिटी उसके होने की बहुत ही कम है क्योंकि तो अगर आप एक लेवल को छोड़ोगे दूसरे लेवल पे आप जा करके कोई रायता फैलाने लग जाओगे अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो फिर आप कहोगे नहीं पैसे में तो एक लिमिटेड पावर है चलो एक काम करता हूँ अच्छा आदमी बनता हूं दुनिया की नजर में यहां पर बहुत पावर है चलो एक काम करता हूँ मैं ना ये बन जाता हूँ अपने नाम के आगे ये लगा लेता हूँ उसके बाद में तो बड़े से बड़े करोड़पति आ करके ऐसे हाथ जोड़ करके मेरे पास में यहाँ पे पैरों के पास में बैठे रहेंगे क्या जबरदस्त पावर है तो वो भी एक लेवल हो गया वहां पर भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक हिरार है किसी की फॉलोइंग बहुत कम है वो अपनी फॉलोइंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है किसी की थोड़ी ज्यादा है किसी की और ज्यादा है किसी की और ज्यादा है वहां पे आपको जेलसी नजर आएगी सब आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे होंगे एक दूसरे को काट रहे होंगे तो क्या आपका सवाल ये है कि सर इस लेवल का एंड क्या है तो जवाब ये है कि इस लेवल का कोई एंड नहीं है सवाल ये है रुकना कहाँ है सवाल ये नहीं है कि रुकना कहाँ है सवाल ये है कि रुकना ही क्यों है जैसे चल रहा है वैसे चल रहे तो क्या दिक्कत है सर आप ही तो कहते हो जब आपके पास इतना हो जाए कि आपको लगता है कि मेरी लाइफ सही है तो शॉर्ट हो जाओ वो तो मैं कहता हूँ ना आपको क्या लगता है <laughs> मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ बहुत कुछ करता हूँ आप वो सब तो नहीं करते तो हो रीड तो रहती है आगे आ? बढ़ने की और वो रहनी भी चाहिए मेरे को लगता है

जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो तो उससे आप फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर रहे हो आप हाँ, कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा तब ग्रो कर रहे हो ना फाइनेंशियली तो ध्यान से समझो हो क्या रहा है एक है जो आप एक्चुअल में हो एक है जो आप बनना चाहते हो एक्चुअल में हम सब अंदर से बहुत ही लालची है मतलब नस नस में लालच दौड़ रहा है लेकिन बाहर से हम बनना चाहते हैं एक ऐसा इंसान जिसमें लालच ना हो तो अब हमने क्या किया एक ग्रीड का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट दिया एक रियलिटी एक है एग्जांपल रियलिटी है, कि आपको आता है. क्या है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए बोल दिया, करना बुरा होता है. देखो मुझे गुस्सा नहीं आता है आपको भी नहीं आना चाहिए एक बार उस गुरु को जो भी वो मानता है या मानती है उसके बारे में थोड़ा सा बोल करके देखो तो अगर आप एक्चुअल में ग्रीड से फ्री होना चाहते हैं तो पहले आपको इन कॉन्सेप्ट से बाहर आना होगा हम सब कॉन्सेप्ट्स में जीते हैं आइडियाज में जीते हैं कि मैं अभी ऐसा हूं तो मुझे ऐसा नहीं ऐसा बनना है कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पहले जो हो जैसे हो उसको पहले अच्छे से देख लो आपको समझ आना चाहिए जैसे आप हो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है अगर है और अगर आपको समझ आ गया है तो आपको अपने आप को बदलना नहीं पड़ेगा आप बदल जाओगे फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉलेज में हो और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे आपके सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं सिगरेट पीना कूल है जैसे बड़ी गाड़ी खरीदना कूल है गले में मोटी मोटी सोने की चेन पहनना कूल है हाथ में बढ़िया महंगी घड़ी पहनना कूल है अब हुआ क्या कि कॉलेज में या yeah, स्कूल में क्योंकि बाकी सब बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं तो वो बच्चा जिसने सुना था कहीं घर में कि सिगरेट पीना बुरा होता है उसने भी सिगरेट पीनी शुरू कर दी अब आप कहोगे उसको तो पता था कि सिगरेट पीना बुरा होता है उसने क्यों पी क्योंकि उसको थियोरटिकली पता था एक्चुअली नहीं पता था या फिर पता भी था तो दैट वॉज नॉट हिज ओन बिलीफ दैट वॉज इम्पोज ऑन हिम बाय हिज फैमिली और बाय एल्स बट अगर वो जो बच्चा है वो अगर जाए किसी कैंसर हॉस्पिटल में और वहां जाकर के लोगों को एक्चुअल में देख ले कि इसकी वजह से क्या होता है तो दर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो छूट जाएगी ऐसे ही ये जो ग्रीड है अगर कभी आप इसको बारीकी से ऑब्जर्व कर पाए तो आपको समझ आ जाएगा इसके रेपोकोशन क्या हैं लगता ऐसा है कि ये हमारी दोस्त है जबकि ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना हो फिर चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो चाहे वो रिलेशनशिप का हो चाहे वो करियर का हो चाहे कोई भी हो चाहे कुछ करने का हो चाहे कुछ ना करने का हो आप कैसे ले सकते हो डिसीजन एक कूल cool और काम और कंपोज माइंड से या एजिटेटेड माइंड से तो ये जो ग्रीड है ये आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ा रही है ये आपको नीचे गिरा रही है लाइफ में फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए ग्रीड नहीं चाहिए राइट right अंडरस्टैंडिंग चाहिए ग्रीड तो आपको फंसा देगी और फंसा ही रही है जब ये बात गहराई से समझ आ जाती है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है तो आप इससे फ्री हो जाते हो अब फ्री होने का मतलब ये ये नहीं है है कि आप आप में से निकल जाता है। आप अगर इसमें जाते भी हो तो बैक ऑफ द माइंड ये कॉन्शियसनेस बनी रहती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं इतना होता है देखो आपको अपने पैसे को बढ़ाना है इसमें कुछ गलत तो नहीं है क्योंकि फ्यूचर में आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जब आप रिटायर होोगे तो आपको पैसा चाहिएगा सरवाइव करने के लिए खुद को भी सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है तो इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है तो पैसे को पहले तो गलत मत समझो जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो इसमें इम्प्लाइड है कि आप पैसे को गलत समझ रहे हो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो ही नहीं सकती तो आपको पैसा चाहिए यानी कि जितना पैसा आपके पास में है उसको जोड़ करके आपको उस पैसे को बढ़ाना है इफ़ यू एक्ट आउट ऑफ ग्रीड तो क्या वो पैसा बढ़ेगा या इफ यू एक्ट आउट ऑफ इंटेलिजेंस राइट अंडरस्टैंडिंग कूल एंड काम माइंड तब उस पैसे के बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कितने कहते हैं अगर आप ग्रीड के बेस पे एक्ट करोगे तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे लाइफ में शॉर्ट टर्म में कमा सकते हो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे तरीके से फंसोगे इस बात को याद रखना क्योंकि लालच से क्या होता है जब हमें वो मिल जाता है जो हमने सोचा होता है तो लालच और बढ़ जाता है फिर इंसान और बड़ा रिस्क लेता है फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर जितना कमाया होता है दो चार पांच साल में दस साल में वो सारा एक सेकंड में खत्म हो जाता है तो ग्रीड आपको हेल्प कहां कर रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये जिस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा हूं और जिस तरीके से आप लोग अप्रोच करते हुए दुनिया में लोग अप्रोच करते हो उसमें क्या फर्क है मैं ग्रीड का एक अपोजिट कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के माइंड में आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी नॉन ग्रीडी आई एम जस्ट से कि ग्रीड की रेपोकोशन देख लो देख लो कि ग्रीडी होने का क्या नुकसान है अगर फायदा है तो हो जाओ ग्रीडी चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी ना कभी फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है उसके पीछे जड़ क्या थी उसकी वजह क्या थीचन आप में से एक ने बोला लालच एक ने बोला गलत डिसीजन गलत डिसीजन क्यों हुआ जल्दीबाजी आप उसको कहो गलत डिसीजन आप उसको कहो जल्दीबाजी में लिया हुआ डिसीजन सबके पीछे जो जड़ होती है वो ग्रीड होती है YouTube पर किसी को देखते हो अपने किसी इन्फ्लुएंसर को या अपने किसी आइडल को उसने कुछ बोला ये कर लो ये करके ना इतना पैसा आ जाएगा उतना पैसा आ जाएगा अंदर एकदम से लालच ट्रिगर होता है अच्छा सच में ऐसा हो सकता है चलो करके देखते हैं पता लगा जो कमाया था दिन रात काम करके पांच दस साल में एक सेकेंड में गया तो ग्रीड आपकी फ्रेंड कैसे हुई तो नेवर क्रिएट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड लुक एट द रियलिटी एज इट इज इसको विजडम बोलते हैं अगर आपके अंदर वॉयलेंस है जो सबके अंदर है जानवरों के अंदर भी और इंसानों के अंदर भी तो मैं आपको यह नहीं कह रहा बी नॉन वायलेंट यानी मैंने क्या किया वॉयलेंस जो कि एक रियलिटी है उसको छोड़ करके मैंने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया आपके माइंड में नॉन वायलेंस द मोर यू ट्राई टू बी नॉन वायलेंट द मोर वायलेंट यू विल बिकम द मोर यू ट्राई टू सप्रेस ग्रीड यू यू विल बिकम मोर मोर एंड बट इफ कैन लुक एट वायलेंस तो आप वायलेंस से फ्री हो सकते हो क्योंकि आपको समझ आएगा कि ये वायलेंस हेल्प नहीं कर रहा है मुझे नुकसान पहुंचा रहा है तो जो भी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है हम उससे अपने आप ही दूर हो जाते हैं अगर हम समझदार हैं तो